क्वांटिटी करो भैया, 1400 करो। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। तो शुक्रवार देर शाम एक शख्स की सड़क पर पड़े पड़े जो पड़ा रहा सुबह से, उसकी देर शाम मौत हो गई। ये मौत है या हत्या, ये जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने जानकारी दी है, क्षेत्रवासियों ने जिस तरीके से जानकारी दी है, उसके मुताबिक तो जो बहुत बड़ी प्रशासनिक लापरवाही रही है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और दिखाता है कि ये एक हत्या है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी से पार्षद अनीश मोयल जुड़ चुके हैं और ये लगातार इस शख्स को बचाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाहियां ऐसी कि शख्स को नहीं बचा जा सका। मोहित साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि शख्स की मौत के पीछे सबसे बड़ी लापरवाही किसकी मानते हो आप? देखिए, सबसे बड़ी, जैसे ये कोरोना का जिस तरह से महामारी फैली हुई है, तो जिस तरह का इमीडिएट एक्शन और इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रशासन द्वारा आना चाहिए था, उस तरह का मुझे मिलानी में बहुत ही हताश और निराश हूँ जिस तरह का मुझे मिला सुबह से। क्योंकि सुबह 12 बजे से, मतलब मुझे क्षेत्रीय लोगों ने जैसे जानकारी दी, तब से लेके मैंने कोरोना हेल्पलाइन नंबर पे लगातार कॉल किए, फिर उसके बाद मैंने सीएमएचओ नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे कॉल किए, फिर सीएमएचओ साहब से मेरी 5:30 बजे मेरी व्यक्तिगत तौर से बात हुई। लेकिन उसके बाद भी मतलब ये हुआ कि 4:30 बजे बाद एक बार गाड़ी आई, वो उसे देखी, उस समय वो जिंदा था, वापिस चली गई, फिर दोबारा 100 आदमी आई, फिर वापिस देखा, फिर चली गई, फिर अभी आके दो जने मेडिकल टीम है, अभी 6:30 बजे जब जांच करी तब मालूम पड़ा कि वो मृत हो चुके हैं। मतलब हमने सुबह से, मैंने एवं जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, सभी ने अपने स्तर पे खूब फोन किए, सबने प्रयास किए। वहाँ एक गहलोत मेडिकल पे राजेंद्र जी गहलोत है, उन्होंने सुबह से लेकर बहुत प्रयास करे। हमने क्या करा, जब हमको मालूम पड़ा कि स्थिति हो गई है, तो तुरंत हमने नगर निगम के कमिश्नर चिन्मय नारायण को कॉल करके सैनिटाइजेशन के लिए भी गाड़ी मंगवा ली थी। गाड़ी एक घंटा वहां खड़ी रही कि जैसे इनको वहां से उठाया जाए तुरंत गाड़ी, जैसे उनको वहां से शिफ्ट किया जाए तुरंत गाड़ी सैनिटाइज करते। लेकिन वो अभी तक भी, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक भी शायद अब वो उनको उठाया गया है, तो सुबह सबसे पहले सैनिटाइज क्षेत्र को सैनिटाइज कराने का किया जाएगा। लेकिन ये जिस तरह का प्रशासन का आज सुबह से रवैया रहा, और ये आप ये देखिए कि आगरा के नीचे उतर के स्वास्तिक पेट्रोल पंप शहर की बीचम बीच वाली स्थिति है, जयपुर रोड है जिसको शहर का आप हार्ट कह सकते हैं, उसके अंदर अगर प्रशासन की ये स्थिति है, तो अगर ये आस पास दूरस्थ इलाके में अगर इस तरह की घटना हो जाए तो फिर क्या होगा, आप इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहले मुझे एक बात बताइए कि मुझे ये जानकारी मिली है कि वहां पर दोपहर में शख्स को बिस्किट, पानी या कुछ खाने का सामान दिया गया, तब तक गजेंद्र गहलोत द्वारा ही उनको पानी की बोतल दी गई थी जो उन्होंने पी है, और उन्होंने कुछ खाने को दिया था, उन्होंने खाया और उसके बाद खाने के बाद उल्टी, मतलब वो शख्स दोपहर तक जीवित था। तो आप ये मान रहे हैं कि जितनी व्यवस्थाएं इस वक्त कोरोना महामारी में की गई थी, जैसे कि 108 की गाड़ी आ रही थी, लेकिन क्या कारण रहा, आपको कोई कारण पता चला कि 108 की गाड़ी आई थी? मुझे जो कारण महसूस हुआ, वो मुझे महसूस ये लगा कि जो 108 वाले कर्मी जो आए थे, वो भी बहुत देर बाद जब आए थे, तो उनके पास खुद के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था, उनके सिर्फ हाथ में ग्लव्स थे और चेहरे में मास्क था, कोई पीपीई किट उनके पास था नहीं, इस वजह से उन्होंने डर के मारे शायद हाथ नहीं लगाया, उनको लगा होगा कि हम इनको कैसे शिफ्ट करें, और वो बिल्कुल मतलब करीब करीब नग्न अवस्था में थे, उधर जो स्थान पे वो लेटे हुए थे, तो वो बिल्कुल नग्न जैसी ही अवस्था के अंदर थे, तो डर के मारे उन्होंने उनको हाथ नहीं लगाया। और ऐसा 3 बार हुआ, और हम परेशान हो गए, हम रेगुलर फोन करते रहे, मतलब आप ये विश्वास नहीं करेंगे सुशील जी कि मैं 4 बजे से अभी तक मैंने कोई दूसरा कार्य नहीं करा है, मेरा फोन कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू मैं प्रयास कर रहा हूँ कि प्रशासन से किस तरह संपर्क करके उसको जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, जिससे उसको तो राहत मिले और क्षेत्र के लोगों में भी जो भय और डर व्यक्त है उनको राहत मिले उस चीज से। सीएमएचओ को आपने कितनी बार जानकारी दी इस खानाबदोश युवक को, क्योंकि 108 की गाड़ी लेकर नहीं गई, पुलिस की टीम आई, पुलिस की टीम ने आकर यहाँ पर कंबल ढका, क्योंकि पुलिस की टीम के पास भी उस तरीके के उपकरण, सुरक्षा के उपकरण नहीं होते हैं उस वक्त में, और जो काम 108 चिकित्सा विभाग का होता है। मैं आपको एक बता देता हूँ, मैंने करीब आपको एग्जैक्ट समय बता देता हूँ, मुझको लग रहा है करीब 4-5 बजे के बीच में मैंने उनको
मैंने 4:24 पे उनको कॉल किया था, 4:24 पे थी मैं जो सबसे बात हुई थी, मैंने उनको बोला कि साहब मैं सुबह से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन इस तरह कुछ नहीं, तो आपसे निवेदन है कि इस पर फटाफट तुरंत एक्शन ले दूँ, तुरंत बोला मैं तुरंत दिखवाता हूँ। 4:24 पे मैंने टीएमएस साहब से फोन किया। तो ये आगरा गेट पे एक शख्स सुबह से शाम तक पड़ा रहा जिसकी किसी ने भी सुध नहीं दी। स्थानीय लोगों ने और पार्षदों ने अपनी कोशिश की लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और चिकित्सा विभाग दोनों का जो सामंजस्य के नहीं नजर आ रहा है और उसी का परिणाम ये हुआ कि एक शख्स की मौत देर शाम हो गई। अरे कमल वाले